हेलो स्टूडेंट, क्लास फाइव के बच्चे, आज मैं आप लोगों को आपके व्याकरण के किताब से एक चैप्टर बता रहा हूँ, कारक। यह कारक क्या है, इससे पहले भी आप लोग पढ़े हैं, कई साल से इसको पढ़ रहे हैं। अभी आप फाइव क्लास में हैं तो कम से कम एक साल तो जरूर, एक दो साल तो जरूर आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में। तो आज फिर से, और इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर को कई बार पढ़ा दिया है इसी क्लास में आपके, आज मैं फिर से आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कारक क्या है। तो कारक क्या है, तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि वाक्य में कर्ता के साथ क्रिया का जो संबंध बताने वाला शब्द है उसको कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता का संबंध क्रिया के साथ जो व्यक्त करता है, कर्ता का संबंध क्रिया के साथ जो व्यक्त करता है उसे कारक कहते हैं। एकदम स्पष्ट है, कर्ता का संबंध क्रिया के साथ जो व्यक्त करता है। अब जैसे कर्ता तो राम, क्योंकि काम करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। मान लिया राम आप नहीं लिखिए तो बंदर लिखिए, ये भी तो करने ही वाला होगा। बंदर ने पेड़ उखाड़ दिया, तो उखाड़ने का काम किसने किया, तो बंदर ने। तो उखाड़ और पेड़, बंदर का संबंध यहाँ किस इसने के द्वारा बताया जा रहा है, तो इसलिए इसको हम कारक कहें। अब जैसे है राम पेड़ काट रहा है, अब देखिए तो राम जो है वह एक काम कर रहा है, काट रहा है, तो राम के साथ काटने संबंध हो रहा है, संबंध बन रहा है। किस चीज़ को काट रहा है, पेड़ को काट रहा है, तो राम ने पेड़ को। तो यहाँ पर ये शब्द छिपे हुए हैं, क्योंकि सेंटेंस को बनाने के लिए, वाक्य को बनाने के लिए बहुत सारे जगह पर ऐसे कारक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये सब नियम है, बाद में बताया जाएगा, अभी तत्काल ये समझ लीजिए, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो कारक किसको कहा गया कि कर्ता का संबंध क्रिया के साथ जो व्यक्त करता है उसको हम कारक। अब इसके बाद इसका परसर्ग भी होता है, इसका चिन्ह होता है, इसका क्या होता है, कारक के चिन्ह होते हैं, इस चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। कारक को, कारक के चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। ये हर जगह इसका प्रयोग नहीं होता है, आगे बताएंगे फिर कैसे कैसे प्रयोग होता है। अब जैसे कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। अब जैसे हम लिखते हैं पिताजी काम करते हैं, अब देखिए तो इसका जब हम पिताजी काम करते हैं, इसको अगर हम कारक का रूप कैसे बदल जाएगा, वाक्य का रूप कैसे बदल जाएगा, जब इसको हम लिखेंगे पिताजी ने काम किया, क्योंकि कारक का प्रयोग करने पर रूप वाक्य का बदल जाता है। अब आते हैं हम इसके भेद पर, इसके भेद पर, तो भेद पर आते हैं तो इसके आठ भेद होते हैं, आठ भेद होते हैं। आठ भेद में कौन कौन होते हैं, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब देखिए ये क्या है कि आठ भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और अब इसको, इस सब के अलग अलग चिन्ह होते हैं। कर्ता का चिन्ह यहाँ परसर्ग आप कहिए इसको, या तो आप इसको परसर्ग कहिए या फिर चिन्ह कहिए, या तो आप इसको परसर्ग कहिए या फिर आप इसको चिन्ह कहिए, तो इसको मैं कल आपको बताऊंगा।